दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है और मैं इस वक्त अक्षरधाम पर हूं और यहां से मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूं कि आज दिल्ली की क्या स्थिति है। धुंध की चादर ने किस तरह से अक्षरधाम को घेर लिया है वो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इसलिए अक्षरधाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और जो लोग यहाँ पर रोड से जो निकल रहे हैं उनको भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है क्योंकि आज धुंध बहुत ज़्यादा है। और आज दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 307 पहुंच गया। ये मैं आपको जो डेटा बता रही हूँ CPCB का जो ऐप है समीर, मैं उसका डेटा आपको बता रही हूँ 307। और उसकी अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो आज क्या स्थिति है उसको अगर हम देखते हैं तो अलीपुर जो है वो 314, आनंद विहार 367, अशोक विहार 331, आया नगर 316, बवाना जो है वो 358, बुराड़ी 352 और उसके अलावा जहांगीरपुरी 345 और पंजाबी बाग 330, आरकेपुरम 343, रोहिणी 344 और सोनिया विहार 335, वजीरपुर 354 और बात करूं अगर मैं विवेक विहार की तो 320। तो ये स्थिति है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है वो ख़राब हो रही है। लगातार जो है मैं अगर बात करती हूँ दशहरे के बाद से, तो दशहरे के बाद से दिल्ली की जो हवा है वो पुअर कैटेगरी में पहुँच गई थी। कल 265 था AQI और आज दिल्ली का AQI 307 हो गया है। इसीलिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सुबह के वक्त जहाँ तक हो सके बिल्कुल भी बाहर न जाएं क्योंकि सुबह की हवा सबसे ज़्यादा कहेंगे कि पॉल्यूशन होता है उस हवा में, इसलिए खांसी जुकाम, उसके अलावा अगर बात करें जिनको फेफड़े की बीमारी है कोई, जिनके पापा जिनको पहले से ही अस्थमा है उनके लिए जो पॉल्यूशन वाले जो दिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जानलेवा हो सकते हैं। और डॉक्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर ध्यान रखें। हालांकि दिल्ली में ग्रैप 1 की पाबंदियाँ लागू हैं लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि सुधार कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।